हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समक्ष 2021 के TGT आर्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों का एग्ज़ाम 7 अगस्त 2021 को आयोजित हुआ है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बुकलेट सीरीज बी है, और आइए इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष आया हुआ है, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करवाई बात को किया जा रहा है, और यहाँ पर शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ जो तैयार करवाई गई थी वो अकबर के शासनकाल में करवाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कि किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है, और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, घनवाद के प्रसिद्ध कलाकार थे पाब्लो पिकासो, और इनकी पेंटिंग जो भारतीय डाक टिकट पर छपी है वो ऑप्शन में दिया गया है, 3 संगीतक, ग्वेरनिका, लेश डेमोलिसिस, डी एविग्नॉग और पाइप पीता हुआ लड़का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 3 संगीतक, जो ये पेंटिंग है पाब्लो पिकासो की, ये भारतीय डाक टिकट पर निर्मित है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है। सांची का स्तूप, जो कि सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस स्तूप पर जो संदेश खुदा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है। इस कृति को निर्मित करने वाले भारत के प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा थे। तो ये क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है। तो डाइंग प्रिंसेस अर्थात मरती हुई राजकुमारी का जो अंकन है वो अजंता की गुफा संख्या 16 में देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इनमें से कौन मूर्तिकार हैं, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, एस जी श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल और मदन लाल नागर। तो यहाँ पर जो दिया गया है, दिलीप दास गुप्ता एक बहुत ही फेमस दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, मदन लाल हुए, सरोज, ये लोग चित्रकार हैं, और एस जी श्रीखंडे, जो कि मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चनों को मैं करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है। तो जो एलोरा है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 32 नंबर की गुफा को हम लोग इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला जो 9th नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों के किस मूल नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुटअप कर रहा है कि मूल नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र और जंगली चित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजपूत चित्रों से ही हमारी पहाड़ी चित्रकला जन्मी थी, तो इसके मूल में क्या है, राजपूत हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नित्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। तो जो मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति प्राप्त की गई थी, जो कि कांस में निर्मित की गई थी, और इसकी जो मूर्ति की लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इनमें से किस गुफा में
कैलाश मंदिर स्थित है। सभी लोग जानते हैं कि एलोरा की गुफा संख्या जो 16 है, जिसको राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में निर्मित कराया गया था, और जो 16 नंबर की गुफा है वो कैलाश मंदिर के नाम से काफ़ी विख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं जो मीनाक्षी का मंदिर है ये मदुरई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था। तो सभी लोग जानते हैं कि क्लोद मोने इसके बहुत ही फेमस कलाकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 12-13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव कहलाता है। जब हम लोग टेक्सचर को अनुभूत करते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टेक्सचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आयल कलर में जो बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है वो सबसे अच्छा होता है लिंसिड आयल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। यहाँ पर बहुत ही फेमस ये पुस्तक है कला विमर्श, और इस पुस्तक के जो संपादक हैं वो डॉक्टर अवधेश मिश्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो लघु चित्रों की जनक मानी जाती है वो पोथी चित्रों से जो पाल में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मंसूर, दशवंत, ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद अली। तो अकबर के दरबार के बहुत ही फेमस दशवंत कहार थे जो कि भारतीय देवी देवताओं का चित्रण करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। जो कि मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति कांस में प्राप्त हुई थी वो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 20 नंबर का है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से है। तो यहाँ पर चिकनकारी, फूलकारी, बनारसी और कांथा दिया गया। तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जो संबंध है, जो वस्त्र काफ़ी विख्यात हैं, वो बनारसी साड़ी में देखने को मिलता है, काफ़ी विख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हुई हैं। जो पंचमढ़ी गुफाएं हैं यहाँ पर ऑप्शन में राम, शिव, बुद्ध और पांडव दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो पांडव थे यहाँ पर वनवास किए थे ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि सारनाथ स्तंभ में बने चार पशुओं के नाम हैं। तो सारनाथ स्तंभ पे चार पशु अंकित हैं जिसमें से मैंने आप सभी लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था BHEL, अर्थात बी से बुल, अर्थात यच से हॉर्स, ई से एलिफेंट, गज को हम लोग एलिफेंट कहते हैं, और एल से लायन। तो इस क्रम को जो पूर्ण करता है वो सी करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। सभी लोगों को मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो भारत में, और ये केसरिया स्तूप के रूप में जाना जाता है जो कि बिहार में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर स्तूप की बात है तो वो भारत में स्थित है जो कि बिहार के स्थित है, केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि सब मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन करा चुका हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, जे एम
JMS मणि सुदर्शन पटनायक दिलीप तालु, तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में जो जाने जाते हैं वो सुदर्शन पटनायक, जिनका उड़ीसा से संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा किया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो हमें सिंधु सभ्यता में जो चित्र हमें अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं वो हमें भांडों पर अर्थात बर्तनों पर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है। तो जो महाभारत श्रृंखला के ऊपर तमाम MF हुसैन ने चित्र बनाए थे, जो कि पाब्लो पिकासो के साथ इसको प्रदर्शित भी किया गया था, तो इसका जो था वो लकड़ी के फलक पर निर्मित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि एलोरा की गुफाएं किसने बनाई। तो यहाँ पर एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं आप सभी लोगों के समक्ष बाद में प्रस्तुत करता हूँ और भी क्वेश्चनों का सीरीज, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आप लोग इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के मैं क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करता हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं वेट करता हूँ।